सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एनिवर्सरी फोटो को एडिट कैसे करें। इसके लिए आपको ना ही एडिटिंग की जरूरत होगी, आपको बस एक सिंगल क्लिक में आप एडिट कर पाओगे। मैं कुमार शर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। यहाँ से आपको प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत होता है एप्लीकेशन को, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलते हैं, मैं अपना एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया, उसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, वहीं पे आपको सारी चीज़ें करके आपको दिखाता हूँ। एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे स्टार्ट ऑप्शन दिख रहा होगा और यहाँ पे माइक के एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करके आपको अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी आपके फाइल में हो। यहाँ से मैंने फोटो को कर लिया। करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे केक्स का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे, यहाँ पे टेम्पलेट, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे उसी पे आपको क्लिक करना है। तो मान लीजिए हमको ये वाला अच्छा लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा ये वाला लग रहा है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आपको फिर से आपको जिसका भी एनिवर्सरी है उसका यहाँ पे नेम ऐड करना है, मेल फीमेल का ऐड करना है। देता हूँ, ठीक है, यहाँ से लिख दिया मैंने। जो लिखने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना और आपका यहाँ पे फोटो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस वाले पे क्लिक करोगे तो आपका फोटो का ऑप्शन दिख जाएगा। और फिर इसको, ये छोटा है ना फोटो, तो इसको जूम करके आप इसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है। आपका जितना अच्छा हो जाए वहाँ पे आपको रख देना है। सकते हैं यहाँ पे नेम लिखा आ रहा है मनीष लव्स कुमारी, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे ही आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको चेंज केक का ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इस पर आपको चेंज केक पे क्लिक करना है और फिर से यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है जो आपको अच्छा लगे। तो मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद फिर से वही ऑप्शन आया, फिर यहाँ पर आपको फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है। अगर आपका ये छोटा फ़ोटो हो तो इसको जूम करके आपको बड़ा कर लेना है, ठीक है। फिर ये हो चुका है और यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा चेंज फोटो का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज फोटो पे क्लिक करके, यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करके, अगर वो आपका फ़ोटो अच्छा नहीं है तो यहाँ से आप चेंज फ़ोटो भी कर सकते हो। तो मान लीजिए हम एक फ़ोटो लगा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, मैंने एक ही फ़ोटो लगाया, मैंने चेंज करके आपको बताने के लिए एक ही फ़ोटो लगाया। फिर यहाँ पे स्टिकर का ऑप्शन दिख रहा होगा, स्टिकर पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे। अगर आपका 5 साल 10 साल का एनिवर्सरी है वो यहाँ से आप लगा सकते हो। तो जैसे मैं 5 साल का लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 5 साल पर लगा के यहाँ से इसको छोटा बड़ा करके आप कहीं भी इसको रख सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ पर रख देता हूँ। और फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे गिफ्ट का ऑप्शन मिलेंगे, बेल मिलेंगे, और यहाँ पर सेलिब्रेशन का भी आ गया। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप ऐसे एडिट कर सकते हो। और यहाँ पे रोज़ भी है, रोज़ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बेस्ट विशेस, बैलून, गिफ्ट, लव, यहाँ पे जो 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 ऐड करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड टेक्स्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आपको और कुछ लिखना है तो वो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप लिख सकते हो। तो मैं एग्जांपल में सिर्फ दिखा देता हूँ, के लिख के और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। फिर ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कलर का, तो यहाँ पर कलर पर क्लिक करके आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो यहाँ पर आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं कलर पर क्लिक करके यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कलर पे क्लिक करूँगा तो ये कलर चेंज हो चुका है। फिर यहाँ पे इसका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ से आपको इसी को डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको एरो दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना और ये आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। मैं आपको अपने गैलरी में भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना गैलरी ओपन किया और आपको देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारा ये फ़ोटो बना है, एनिवर्सरी फ़ोटो। तो कुछ इस प्रकार से आप भी बना सकते हो और अपने फैमिली मेम्बर में भी सेंड कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपने भी अपना फोटो को एडिट किया होगा। अगर एडिट किया तो कमेंट में बताइए कि क्या आपको कैसा ये लगा। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।